अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नाज़माबाद में सखी हसन चौरंगी पर मौजूद हूँ और वीबर में आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक और देखिएगा कि मुझे आगे यहाँ से राइट कट लेना है और देखते हैं कहाँ तक मुझे ये कट मिलेगा आगे। और ये कराची का शेर शाह सूरी रोड है और ट्रैफिक भी काफ़ी है, ये आप देख रहे हैं। और ऊपर से फ्लाईओवर से भी गाड़ियां आ रही हैं और लॉकडाउन भी है, उसके बावजूद भी इतनी ट्रैफिक के रोड ब्लॉक हो रहे हैं। कराची के रोड जो हैं वो उन पर हर तरह की ट्रैफिक आपको मिलेगी और ज़्यादातर तादाद में मोटरसाइकिल, रक्शा और मिनी बसेस जो है लोग उसमें सफ़र करते हैं। इस वक्त दोपहर का टाइम है और धूप भी तेज़ है और रोजे की हालत में ये वीडियो बन रही है। क्योंकि मुझे यहाँ से राइट लेना था सखी हसन से और मैं वक्त पर वो कट नहीं ले सका, अब मुझे यहाँ क्योंकि मेट्रो रूट के साथ साथ में जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने मेट्रो का जो है स्टेशन भी, और यहाँ से मैं स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ कट जो था वो अब नहीं है। तो देखते हैं ये मेट्रो का स्टेशन, मेट्रो बस भी रूट जो है ये तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें आप कितना खूबसूरत और मुकम्मल तैयार है, बस अब इस पर गाड़ी चलाना बाकी है। और अब ये गाड़ी कौन चलाएगा, मौजूदा हुकूमत इस पर गाड़ी चलाएगी या ये सामने आपको बिल्डिंग्स जो है ना बफर जोन की नज़र आ रही हैं। और मुझे यहाँ इन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे शॉपिंग प्लाजा है उसमें जाना है। तो ये देखें जी आपको मैं साथ साथ में ग्रीन बस भी हम देख रहे हैं और रोडों पर जो ब्राइनाम ट्रैफिक है बहुत कम जो है इस वक्त लॉकडाउन की कंडीशन है। और यहाँ पर हम जो आगे जा रहे हैं देखते हैं ये कौन सा आगे साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं। और मुझे राइट टर्न करना था और ये साइन बोर्ड जो नज़र आया है ये देखें, इसमें एफबी एरिया और दूसरी जगहों का सामने फ्लाईओवर नज़र आ रहे हैं। शायद मुझे ये फ्लाईओवर के नीचे से टर्न मिल जाए। ये रोड के साइड पे कच्ची आबादियां बनी हुई हैं, झोपड़ियां हैं और यहाँ पर लोग रहते हैं। कराची का अपना हुस्न है, एक तरफ आप देखेंगे कि वेल प्लान एरिया नज़र आएगा और दूसरी तरफ देखेंगे कि आपको ऐसी झोपड़ियां नज़र आएंगी। और ये देखें आप रोड के दोनों तरफ की व्यूज़ आपके सामने हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर हमें कट मिल जाता है तो हम सामने चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा कट सामने नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हम अलादीन पार्क की तरफ भी जाते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ कट नहीं है क्योंकि मेट्रो का रूट बनने के बाद यहाँ से जो है कट ख़त्म कर दिए गए। और ये देखें ग्रीन बस का दूसरा स्टेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बच्चे जो हैं नहा रहे हैं पानी में, पानी की पाइपलाइन जो है फटी हुई है और लोग यहाँ कपड़े धो रहे हैं। तो ये कराची की अपनी खूबसूरतियाँ हैं, यहाँ पर लोग तरह तरह की आपको मिलेंगे। ये ग्रीन बस का रूट और मेरा क्योंकि वहाँ बफर जोन की तरफ जाना था एक शॉपिंग प्लाजे की तरफ, तो ईद भी करीब है लेकिन चूँकि रास्ता चूँकि सखी हसन से मुझे टर्न करना था तो मैं वक्त पर वहाँ से टर्न नहीं कर सका। तो ये रूट के साथ साथ जा रहा हूँ कि मुझे कहाँ से कट मिलेगा और मैं राइट टर्न करके फिर वापस अपनी मंजिल की तरफ जाऊँगा। और ये आप देख रहे हैं सामने ये जो पुल फ्लाईओवर नज़र आ रहा है ये ग्रीन बस का है और उसके साथ साथ जा रहे हैं। ग्रीन बस के ऊपर मैंने 3-4 वीडियोस पहले बना चुका हूँ,
और जिसमें एक वीडियो मेरी बोर्ड ऑफिस से लेकर ये यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट कवर किया था। अब यहाँ से मुझे ये टर्न मिल चुका है और राइट टर्न करके अब स्ट्रेट सीधा जाना है और ये ग्रीन बस के रूट के नीचे से, और जो मेरी 3-4 वीडियोस हैं मैंने उसमें पूरा तकरीबन ग्रीन बस रूट को कवर किया है। आप ज़रूर मेरे चैनल पर वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जो सब्सक्राइब करना है वो हमारे लिए एक अहमियत सही है। और यहाँ से ये देखें ग्रीन बस रूट, और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैफिक आगे रश नज़र आ रहा है, शायद इसमें हमें रुकना पड़े। तो काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बहुत स्लो है, और यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि मुझे वापस सखी हसन की तरफ जाना है और वक्त पर जो टर्न मैं लिया था अब उसकी तलाफी करनी है। बड़ी स्लोली ट्रैफिक यहाँ पर गुजर रही है, और ये देखें आप रक्षा, और रक्षा कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में नज़र आता है। और क्योंकि ये सवारी का मेन ज़रिया है, कराची में कोई ऐसा ज़रिया है नहीं है कि जिसमें जैसे ग्रीन बस रूट अभी स्टार्ट होगा तो ये होगा, और इसको हम कितने सालों से देख रहे हैं, पिछले 5-6 साल से, तो ये रूट स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ना गवर्नमेंट इसको जो है इसमें कोई इंटरेस्ट ले रही है कि जल्द अज जल्द आवाम के लिए। ये देखें मोटरसाइकिल पर किस तरह जो है इसको एक बोझ उठाने का बनाया हुआ है। बाकी जो है कराची का हर तरह के यहाँ पर जो है आपको एक वर्सटाइल किस्म का माहौल मिलेगा। सड़कों पे आप जाएं तो ट्रैफिक के हवाले से एक तरफ चमकती धमकती गाड़ियाँ, दूसरी तरफ यहाँ से क्योंकि ये आगे मेट्रो की वजह से, मैं शाबाश देता हूँ उन इंजीनियर्स को, उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर मेट्रो का पुल बना तो लिया लेकिन नीचे जो रोड है उसको इतना तंग कर दिया है कि हम लोग जो है ना वो घर बना के बाद में उसमें से देखते हैं कि आप वहाँ आएगी या नहीं आएगी। ये देखिए इन इंजीनियर्स को भी मैं शाबाश दूंगा कि ऊपर से उन्होंने मेट्रो का पुल बनाया लेकिन नीचे से जो ट्रैफिक को इतना तंग कर दिया है कि ये नहीं सोचते हम लोग कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल बनाने वालों को शाबाश। और यहाँ से देखें ऊपर से फ्लाई ओवर गुजर रहे हैं, ये अलादीन पार्क की तरफ से ऊपर से रोड जाता है आगे मुख्तलिफ इलाकों को, और ये मैं दोबारा वापस उसी सखी हसन के रूट के ऊपर, पानी की लाइन चूँकि फटी हुई थी हमने जाते हुए देखा था, तो ये उसका पानी। और यहाँ से हम सीधे जाएंगे, आप देखते जाएं ये ऊपर से जो फ्लाई ओवर गुजर रहा है। और कराची का जो है पहले से बहुत बेहतर होती जा रही है, क्योंकि अब जो है निस्बतन अगर कंपेरिजन करें तो कराची का के मामला बहुत बेहतर हुए हैं, और ये रोड भी अब खुशहाल हो गए हैं, रोडों पर जो तजावजात थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं, और साफ़ सुथरा शहर नज़र आता है। अब इसमें साफ़ सुथरा होना तो अलग बात है, यहाँ इसको अब चमकाना, इसको कलर करना, खूबसूरती के हवाले से जिस तरह हम दुनिया के बाकी शहरों में देखते हैं, इस्लामाबाद लाहौर में देखते हैं, तो उस तरह शहर का फिशल करने की जरूरत है। और यहाँ से मैं क्योंकि मुझे आगे एक प्लाजा है उसमें जाना है, तो मैंने उस तरह बंद किया है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप ये देख रहे हैं जो कराची का स्ट्रीट व्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मेरी वीडियोस में ज़्यादातर जो है ना मैं कराची स्ट्रीट्स को जो है सड़कों पर जो कुछ मुझे नज़र आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें सड़क के राइट साइड पर किस तरह कचरे के ढेर भी हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि कराची का अपना एक रसूम है, और आप सड़क पर जाएंगे तो आपको
एक टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी, एक तरफ देखें कारें खड़ी हैं, दूसरी तरफ देखें ये कचरे के ढेर देखें, और एक तरफ मेट्रो का रूट है और दूसरी तरफ देखें तो क्या है, मेरी वीडियो को देखने यहाँ अभी क्लोज होगी और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपकी ये देख रहे हैं इस तरीके से गाड़ियाँ निकल रही हैं और रिक्शा जो है कि तादाद आपको नजर आ रही है, ये फोको पॉइंट है राइट साइड पे जो जहाँ से मैंने टर्न किया था वो सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा है। तो इस ब्रिज के पास से मैंने यहाँ सामने आना था लेकिन सीधा टर्न कर लिया। ओके थैंक यू, अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।